बात तो जब यहाँ पर मीटिंग हो जाएगी उसके बाद में होगी आंदोलन। आंदोलन तो बीच में अभी जो क्लॉज बताया गया ठीक है सर, उस पर क्या लगता है जो क्लॉज दिया बना के खुदामे ने उस पर लगता है कुछ किसानों ने क्लॉज नहीं दिया, वो तो बातचीत वहाँ पे हुई है, जो इश्यू थे उन पर बातचीत हुई है, अभी किसानों ने नहीं दी। जो वहाँ कंक्लूजन निकले तो बैठे कुल मिला के 7 घंटे तक मीटिंग में लगता है बेनतीजा निकली आज की। हाँ है तो बेनतीजा। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी आज की मीटिंग में? 5 तारीख को पूर्ण रूप से फाइनल ये होना चाहिए। नहीं तो आज ऐसी कौन सी बात थी जिस पर बात नहीं बनी? क्योंकि नहीं नहीं ये तो आप हो गया था तो जो इश्यू इकट्ठे हुए उसका कल वे भी अपनी बात कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। नहीं तो आज भी तो दोनों ने बात रखी। हाँ बात कहाँ फंसी थी? फंसी नहीं, लेट हो गए, दिन छुटिया अपना घर जाएंगे, फिर बात हो जाएगी। कहीं किसी को वहाँ जाना है अमृतसर से, सब यही है। एमएसपी के मुद्दे पर क्या हुआ? एमएसपी के मुद्दे पर सरकार का रुख लगता है कि ठीक रहेगा, ठीक नहीं है, ठीक रहेगा तो लगता है कुछ बात आगे बढ़ी, आगे बढ़ी कुछ। राकेश जो अभी मीटिंग से बाहर है, राकेश जी आजकल इनको पकड़ लो, गलबात पर नहीं आ रहे, इसलिए ये बात आगे लंबी चल सकती है। मेरा नाम हरजिंदर सिंह टांडा। क्या हुआ आज की मीटिंग? आज की मीटिंग में चर्चा हुई है, जो 3 मीटिंग पहले हुई थी उसमें हम पूरा आपका जो पक्ष था हमारा लिख कर दिया था कि जो बिल है इसमें बहुत किसानों के एक गंभीर मसला है, इसको आप से लें, उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो एमएसपी के बारे में क्या बातचीत हुई बाजी? एमएसपी के बारे में ये बात हुई है कि सरकार मानती है कि एमएसपी हम इसको रखेंगे, हमने उसको बोला है कि तीनों कानून वापस लो और उसके बाद जो एमएसपी है उसके ऊपर पूरा गारंटी करो कि एमएसपी को पक्का रहना चाहिए। परसों मीटिंग होएगा बाद में। परसों पाजी लगता है कुछ बात आगे बढ़ी या बेनतीजा ही रही मीटिंग? आगे बढ़ी है बात, इसको बहुत बेनतीजा नहीं कह सकते, आगे बढ़ी है। जो पहले हाफ टाइम में तो हमको ऐसा लगता था कि आज जो बात है ये टूट जाएगी, बे सिट्टा निकलेगी, और दूसरे राउंड में ऐसा लगा है कि सरकार को उस ये जो आंदोलन है इसका दबाव है और बाद में अच्छे माहौल से बात हुई। कुछ उम्मीद बनी है भाई? उम्मीद बनी है, उम्मीद है हमारा, जो बाहर इतना लोग लाखों लोग बाहर खड़ा है, हम उम्मीद के साथ खड़े हैं। कानून गलत है, किसानों को मारने वाला कानून है, हमारी उम्मीद तो बहुत उम्मीद है। अगली मीटिंग में क्या होगा, क्या लगता है? अगली मीटिंग में हम इधर से ऐलान करके लेके जाएंगे, सरकार को दबा के जाएंगे, सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये कानून हमने वापस ले लिया। नहीं तो क्या अगली मीटिंग में क्या बोल के जाएंगे? ये ही बोल के जाएंगे कि कानून वापस लो और मेरे ख्याल में परसों जो मीटिंग होगा फाइनल हो जाएगा। जो चीजें थी, जो कागज की बात करी जा रही थी, जो आप लोगों ने सब हो चुका है? हाँ हो चुका, उसमें बात हो चुका है। अगली मीटिंग वो पहले यही बोलते थे कि तुमने ये हमारे को दिया है, आपकी मांग दी है, इसके ऊपर हमारा सीधा अटैक करके बोले बात क्या है, उसमें 3 घंटा बाद चले, उसने आपका पक्ष रखा है, उसका जो कृषि सेक्रेटरी है हमने आपका बात रखा है और मेरे को जो लगा है उसको जवाब नहीं देना आया। तो अब अगली मीटिंग में लगता है कुछ निकल के आएगा? बिल्कुल निकल के कि वो कानून रद्द करने को तैयार है, तब ही परसों की मीटिंग। अच्छा और क्या बातें हुई सर, और क्या बातें हुई? एमएसपी बारे में लीगल राइट हो सभी फसलों में, बहुत जो प्रॉफिटेबल हो उसके बारे में वो सहमत है और बोले कि कानून बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हम कल तो सोचे। और अगली गल जी असं करिए, तुहाडे वल्लों इतराज होर जाहिर किया गया कि जिहड़े प्रदूषण नूं लैके बिल बनाया गया उस नाल किसानों का नुकसान हो रहा, उस दे लई भी कोई गलबात हुई है ना? और ही ऑडियो होगा, वो छोटियां गल्लां साडे, वो भी हो जाऊगा, बीजी गल भी खत्म हो जाऊगा।